हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। उस दिन वीडियो का एक पार्ट मैं अपलोड कर दिता सी थोड़े देखने लिए, तो दूसरा पार्ट अपलोड करन च मैनू थोड़ी देर हो गई, उहदे लिए माफ़ी चाहनी हाँ। थोड़ा बिजी सी, टाइम लग गया। तो ये दूसरा पार्ट है, तो ये विच मैं वो थोड़ा पिछों दिखा रही हाँ अपने प्लांट्स दोबारा तो, क्योंकि मैं इन्हों की दोबारा अरेंजमेंट दोबारा करके इन्हों रखिया सही करके, तो इन्हों की थोड़ी कटाई छटाई भी की है। तुम देखोगे पिछली वीडियो से यह थोड़े लंबे से, हूँ इन्हों की कटिंग करके इन्हों आप थोड़े छोटे कर दिता है, तो थोड़े साफ लगन। जिमें हूँ यह है कोलियस का प्लांट, है काफ़ी लंबा सी, ये पत्ते बिल्कुल फेड जहा हो गया सी, रंग इन्हों का जिमें धुप नाल हो जाता, बट ये छावें भी हो गया सी। तो इनू किया कटिंग की है, तो ये अपना लैंटाना का प्लांट है, बहुत सोहना लगता मैनू, ये फुल बहुत ही प्यारे लगते हैं। कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर रहा या नहीं कर रहा, पर फुलों का रंग इन्ना क ज़्यादा डार्क ग्रीन ग्रीन है, सॉरी डार्क है कि सोहने बहुत लग रहे हैं। यदि भी कटाई छटाई की है, गुलाब का ठीक सी, यदा कुछ नहीं की कटिंग वगैरह, यदि कंडीशन ठीक सी। यू हूँ फुल आने वाले ने, दो बर्ड्स निकलिया हुई हैं, ये काफ़ी वधिया चल पिया। ये फ्रेंड्स मैं थोड़े ना वीडियो शेयर की थी, से मरण वाला ही सी प्लांट, तो किस्मत नाल बच गया। तो ये तुलसी का प्लांट अपने आप ही ये उग गया सी, जैसमीन के प्लांट च तुलसी का अपने आप उग गया सी। तो ये बोगनविलिया की वेल है, देखो कितना सोहना ऑरेंज कलर, तो फिर बाद च पिंक हो जाता है, बहुत सोहना। यदि भी मैं कटाई छटाई कर दी है, थोड़ी मोटी डाणी भी यदि एक कट दी, मैं नीचे तीन सगियां दो रह गई हूँ, ये जो फुल खत्म हो जाएंगे तो इनू इतों कट के आप एक शेप से इनू रखा, तो एको जगह ये संघना करा इनू, तो यह सोहना लगेगा। ये दूसरा बोगनविलिया, ये भी की है कटाई छटाई, ये हजे उत्ते फुल आ रहे हैं, तो इनू भी आप बाद थोड़ा होर लंबाई तो कट करांगे। अलमंडा के प्लांट की रिपोर्टिंग की सी फ्रेंड्स, तो यदि दशा ही बिगड़ गई रिपोर्टिंग करन नाल, हुण ये थोड़ा खाली खाली हो गया, सारे पत्ते ये झड़ के गिर गए ने, पर हौली हौली आ जाना, इन्हें रिपोर्टिंग शौक है, ये हजे हो जाएगा ठीक। तो आह देखो फ्रेंड्स, बहुत खुशी हुई मैनू देख के, इस विच ग्रीन लीव्स मैं बहुत देर बाद देख रही हाँ। ये प्लांट्स मेरा बिल्कुल ही, इसके पत्ते जिवें तुसी नाल वाले देख रहे हो, बिल्कुल ही सफेद पीले पीले हो गए सी सारे पत्ते। फिर मैं इनू खाद वगैरह पाई भी सी, पर उहदे नाल ठीक नहीं होया। फिर उस तो बाद मैं हुण इनू रिपोर्ट किया दोबारा, सारी इहदी मिट्टी कढ के, नवी मिट्टी नवी खाद सारा कुछ दोबारा पा के फिर इनू रिपोर्ट किया, तो हुण ये काफ़ी सही हो रहा है। तो दूसरे आ कुछ पौधे, इन्हां नू धुप की लोड़ रहिंदी है, तुहानू पता है जिवें पोर्चू इलाका है, मोस रोज़ इनू धुप की लोड़ रहिंदी, इस करके इन्हां नू थोड़ा इस साइड रखिया है, इधर धुप आ जाती है। ये आ काफ़ी सोहने फुल आए हुए हैं, टमाटर आ, तो अपनी टोपियरी, ये थोड़ी पिछे नू गिरदी जा रही थी, इस करके मैं इहदे पिछे दो स्टेक लगा के इनू थोड़ा स्टेबल कर दिता, क्योंकि हैवी हो गई है हुण, ये काफ़ी संघनी हो गई है, तो भार नाल ये पिछे नू गिरदी जा रही थी। तो ये दो तीन प्लांट्स मैं इत्थे रखे आ जिन्हां नू ज़्यादा धुप की लोड़ आ, ते कुछ कटिंग्स वगैरह का सैट आ जिहड़ा वह मैं इत्थे बना दिता है, हार्डबोर्ड है प्लास्टिक का काफ़ी मजबूत है, इत्थे रख के इट्टां इहदे उत्ते मैं इहनू फिर सही करके रख दिता, छोटे छोटिया मेरिया जिहड़े भी प्लांट्स छोटे कटिंग्स ने। तो आ जेड़ दी टोपियरी बनाउण दी कोशिश चल रही है, तो काफ़ी लंबिया टाहणियां आ गई सी, तो मैं हुण इन्हां नू कट के थोड़ा शेप विच लिआंदा, तो हुण मैनू इसकी शेप जो है बहुत ही सोहनी लग रही है। इसे शेप च आपां इहनू एक पेड़ की शक्ल देवांगे, दरख्त की तरह, एक छोटा दरख्त बहुत ही ज़्यादा सोहना लगेगा। टाइम लगता है फ्रेंड्स, इहदे विच टाइम बहुत लैंदा है, टोपियरी हो गया, बोनजाई हो गया, ये टाइम बहुत लेंदे ने। तो मेरा छोटा सैक्शन छोटे छोटे पौद्या का, ये बोगनविलिया का मेरा तीसरा प्लांट है, तो इहदी बेल काफ़ी धरती च लगी होण करके काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इन्हें काफ़ी खलारा जिहा पा लिया, तो इहनू मैं बन बुन के उत्थे हुण दीवार ते चढ़ाने की कोशिश कर रही हाँ। टमाटर के प्लांट्स वधिया चल रहे ने, नीचे जिहड़ा ग्राउंड गार्डन हुंदा फ्रेंड्स, उहदे च घाह बहुत ज़्यादा ते बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इत्थे भी घाह बहुत छेती हफ्ते बाद ही घाह हो जाता, तो हुण देखो दोबारा बरीक बरीक घाह फिर हो गया। तो ये चंपा के प्लांट च फुल लगातार आ रहे ने, गिलोए की बेल सी बहुत ज़्यादा संघनी हो गई सी, उसने आप हिबिस्कस के प्लांट नू बिल्कुल ढक लिया सी, लपेट लिया सी अपने विच, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत
कट गई सी क्योंकि इसनों फिर हवा नहीं सी लग रही, तो मैं यदि कटिंग करके उन्होंने इको टाणी रख के बाकी की कटिंग कर दी है। तो मिर्चा फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी, जो अपने किसी लगाए हुए प्लांट काफ़ी देर बाद सानू फ्रूट्स लगन या फुल लगन तो बहुत सोहना लगता है। तो ये मिर्चा लग रही ने, ये नाल ही अपने कोल गोल मिर्च तो दूसरी जी उपर मिर्च लगती है वो आप पनीरी तैयार की हुई है, दो दो इंच की पनीरी हो चली है। तो वह भी आप इतें ही नीचे जो टमाटर के नाल उसनों ट्रांसप्लांट कर देंगे। मिर्च मिर्च तो टमाटर होर भी टमाटर के पौधे ने, जोड़ा चैरी टमाटर होंगे वो मैं लगाए हुए ने, सॉरी मैं दिखा नहीं सकी थानू साइड पर पे सन। मिलते हैं फिर थानू किसी नवी अपडेट के नाल। तो किचन गार्डन आप जल्दी शुरू कर जा रहे हैं सर्दियों वाला, तो नवे फ्रेंड्स जोड़े आए हैं सबसक्राइब जरूर करके जाना जी। सत श्री अकाल जी सारे।